नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्यारे वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं संजय दत्त की सभी फिल्मों के नाम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों, संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ था और इनके पिता का नाम था सुनील दत्त और इनकी माता का नाम था नरगिस दत्त। दोस्तों, 1971 में आई रेशमा और शेरा नाम के मूवी में संजय दत्त ने बाल कलाकार के रूप में एक कवाली गायक का किरदार निभाया था और इस मूवी ने कमाई की थी 15 लाख की और यह मूवी डिजास्टर हुई थी। इसके बाद संजय दत्त की पहली मूवी आई थी 1981 में रॉकी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 1 करोड़ 75 लाख की और इसने कमाई की थी 6 करोड़ और उनकी पहली मूवी ही बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 1982 में संजय दत्त की मूवी आई थी जॉनी आई लव यू और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 35 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इसकी दूसरी मूवी आई थी विधाता और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 16 करोड़ और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1983 में मैं आवारा हूँ मूवी आई और इसने कमाई की 90 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल बेकरार मूवी आई और इसने कमाई की थी 92 लाख और यह भी डिजास्टर रही। 1984 में जमीन आसमान मूवी आई थी और इसने कमाई की थी 1 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल मेरा फैसला मूवी आई और इसने कमाई की थी 1 करोड़ और यह भी फ्लॉप रही। 1985 में दो दिलों की दास्तान मूवी आई और इसने कमाई की थी 60 लाख की और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल जान की बाजी मूवी आई और इसने कमाई की थी 3 करोड़ और यह मूवी हिट रही। 1986 में संजय दत्त की नाम मूवी आई थी और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 30 लाख और यह भी हिट रही। इसी साल में मेरा हक मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 22 लाख की और इसने कमाई की थी 2 करोड़ 70 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल जीवा मूवी आई थी और इसने कमाई की थी 4 करोड़ 25 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। 1987 में ईमानदार मूवी आई थी और इसकी बजट थी 1 करोड़ 43 लाख और इसने कमाई की 1 करोड़ 90 लाख और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल नामो निशान मूवी आई और इसने कमाई की 1 करोड़ 28 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल मूवी आई थी इनाम 10,000 और इसने कमाई की थी 5 करोड़ 60 लाख और यह मूवी हिट हो गई। इसी साल जीते हैं शान से मूवी आई थी और दोस्तों इसने कमाई की थी 28 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट हो गई। 1988 में मर्दों वाली बात मूवी आई और इसकी बजट थी 2 करोड़ 70 लाख और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 20 लाख लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल मोहब्बत के दुश्मन मूवी आई और इसने कमाई की 1 करोड़ 10 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल खतरों के खिलाड़ी मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 5 लाख और इसने कमाई की 6 करोड़ और यह मूवी हिट हो गई। इसी साल कब्जा मूवी आई थी और इसकी बजट थी 1 करोड़ 48 लाख और इसने कमाई की 2 करोड़ 85 लाख और यह मूवी सेमी हिट हो गई। 1989 में दो कैदी मूवी आई और इसकी बजट थी 2 करोड़ 47 लाख और इसने कमाई की 7 करोड़ और यह मूवी हिट रही। इसी साल इलाका मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 58 लाख की और इसने कमाई की थी 6 करोड़ 57 लाख और यह भी हिट रही। इसी साल कानून अपना अपना मूवी आई और इसकी बजट थी 2 करोड़ 10 लाख और इसने कमाई की 6 करोड़ 80 लाख की और यह भी हिट हो गई। इसी साल ताकतवर मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 54 लाख की और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 80 लाख और यह भी हिट हो गई। इसी साल हम भी इंसान है मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 31 लाख की और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 20 लाख और यह मूवी सुपर हिट हो गई। इसी साल हथियार मूवी आई और इसकी बजट थी 3 करोड़ 10 लाख और इसने कमाई की 7 करोड़ 40 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। 1990 में जहरीले मूवी आई और इसकी बजट थी 2 करोड़ 18 लाख और इसने कमाई की थी 2 करोड़ 87 लाख और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल क्रोध मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 45 लाख की और इसने कमाई की थी 2 करोड़ 75 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल थानेदार मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 50 लाख की और इसने कमाई की थी 6 करोड़ 40 लाख और यह मूवी हिट रही। इसी साल तेजा मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 53 लाख और इसने कमाई की
की थी 2 करोड़ 30 लाख की, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल खतरनाक मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 57 लाख और इसने कमाई की थी 2 करोड़ 40 लाख और यह भी एवरेज रही। इसी साल जीने दो मूवी आई थी और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 20 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। 1991 में खून का कर्ज मूवी आई और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 30 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल 2 मतवाले मूवी आई थी और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 80 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल साजन मूवी आई और इसकी बजट थी 4 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 18 करोड़ और दोस्तों यह मूवी सुपरहिट हो गई। इसी साल दोस्तों सड़क मूवी आई और इसकी बजट थी 3 करोड़ और इसने कमाई की 10 करोड़ 75 लाख और यह मूवी हिट हो गई। इसी साल योद्धा मूवी आई और इसने कमाई की 3 करोड़ 35 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल कुर्बानी रंग लाएगी मूवी आई और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 10 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल फतेह मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 2 करोड़ 85 लाख और इसने कमाई की 4 करोड़ 57 लाख लेकिन यह मूवी एवरेज रही। 1992 में अधर्म मूवी आई थी और इसकी बजट थी 1 करोड़ 97 लाख की और इसने कमाई की थी 5 करोड़ 20 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल साहेबजादे मूवी आई थी और दोस्तों इसने कमाई की थी 1 करोड़ 10 लाख लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सरफिरा मूवी आई और दोस्तों इसने कमाई की 1 करोड़ 25 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल यलगार मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 3 करोड़ 56 लाख और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 7 करोड़ लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल मूवी आई थी जीना मरना तेरे संग और दोस्तों इसने कमाई की थी 2 करोड़ 50 लाख और यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1993 में क्षत्रिय मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की 8 करोड़ लेकिन यह मूवी एवरेज रही। इसी साल गुमराह मूवी आई थी और दोस्तों इसने कमाई की थी 3 करोड़ 40 लाख और यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल साहिबान मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 1 करोड़ 48 लाख और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 70 लाख की और यह मूवी सेमी हिट हो गई। इसी साल संजय दत्त की खलनायक मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी मात्र 4 करोड़ की और इसने कुल कमाई की थी 22 करोड़ और दोस्तों यह मूवी सुपर हिट रही। वैसे दोस्तों यह काफी मस्त मूवी थी। 1994 में जमाने से क्या डरना मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 2 करोड़ 40 लाख की और इसने कमाई की थी 7 करोड़ 68 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इंसाफ अपने लहू से मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 1 करोड़ 40 लाख और इसने कमाई की 2 करोड़ 4 लाख लेकिन यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल अमानत मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 85 लाख की और इसने कमाई की दुनिया भर में 5 करोड़ 48 लाख और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल आतिश मूवी आई थी और इसकी बजट थी 4 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 12 करोड़ 27 लाख लेकिन दोस्तों यह मूवी को तो बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज करार दी गई थी। 1995 में आंदोलन मूवी आई थी और इसकी बजट थी 3 करोड़ 75 लाख की और दोस्तों इसने कमाई की थी 10 करोड़ 22 लाख और इस मूवी को अबव एवरेज करार दी गई। इसी साल जय विक्रांता मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 3 करोड़ 50 लाख और इसने दुनिया भर में कमाई की 8 करोड़ 25 लाख लेकिन इसको भी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज करार दी गई। 1996 में विजेता मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 5 करोड़ 25 लाख लेकिन यह मूवी एवरेज रही। इसी साल नमक मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की मात्र 55 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। 1997 में सनम मूवी आई और इसकी बजट थी 1 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की 3 करोड़ 10 लाख लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल महानता मूवी आई और इसकी बजट थी 4 करोड़ 25 लाख और इसने कमाई की 9 करोड़ 49 लाख लेकिन यह मूवी एवरेज रही। इसी साल दावत मूवी आई और इसकी बजट थी 7 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की 14 करोड़ 79 लाख और यह भी एवरेज रही। 1998 में दुश्मन
मूवी आई और इसकी बजट थी 4 करोड़ और इसने कमाई की 10 करोड़ 16 लाख, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। 1999 में दाग मूवी आई और इसकी बजट थी 6 करोड़ और इसने कमाई की 20 करोड़ 20 लाख और यह मूवी हिट हो गई। इसी साल कारतूस मूवी आई और इसकी बजट थी 8 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की 13 करोड़ 45 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल सफारी मूवी आई और इसकी बजट थी 3 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 2 करोड़ 66 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल हसीना मान जाएगी मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की 27 करोड़ 17 लाख और यह मूवी हिट रही। इसी साल वास्तव मूवी आई थी और इसकी बजट थी 7 करोड़ 50 लाख की और इसने कमाई की थी 20 करोड़ 51 लाख और दोस्तों यह मूवी सेमी हिट हो गई। इसी साल खूबसूरत मूवी आई थी और इसकी बजट थी 6 करोड़ और इसने कमाई की 15 करोड़ 12 लाख, लेकिन दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। साल 2000 में खौफ मूवी आई और इसकी बजट थी 7 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 10 करोड़ 58 लाख, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल बाघी मूवी आई और इसकी बजट थी 5 करोड़ 75 लाख की और इसने कमाई की 6 करोड़ 48 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल चल मेरे भाई मूवी आई और इसकी बजट थी 14 करोड़ और इसने कमाई की थी 22 करोड़ 29 लाख, लेकिन यह भी फ्लॉप रही। इसी साल जंग मूवी आई और इसकी बजट थी 8 करोड़ 25 लाख की और इसने कमाई की थी 11 करोड़ 41 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल मिशन कश्मीर मूवी आई थी और इसकी बजट थी 26 करोड़ की और इसने कमाई की थी 44 करोड़ और यह मूवी एवरेज हो गई। इसी साल कुरुक्षेत्र मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 8 करोड़ 75 लाख की और इसने कमाई की थी 19 करोड़ 87 लाख, लेकिन यह भी एवरेज रही। 2001 में जोड़ी नंबर 1 मूवी आई थी और इसकी बजट थी 11 करोड़ की और इसने कमाई की थी 34 करोड़ 13 लाख की और यह मूवी हिट हो गई। 2002 में पिताह मूवी आई थी और इसकी बजट थी 7 करोड़ 50 लाख की और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 36 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल हम किसी से कम नहीं मूवी आई थी और इसकी बजट थी 19 करोड़ की और इसने कमाई की थी 22 करोड़ 80 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल मैंने दिल तुझको दिया मूवी आई थी और इसकी बजट थी 6 करोड़ 50 लाख की और इसने कमाई की थी 11 करोड़ 31 लाख, लेकिन यह भी फ्लॉप रही। इसी साल हथियार मूवी आई और इसकी बजट थी 7 करोड़ और इसने कमाई की थी 9 करोड़ 64 लाख और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल अनर्थ मूवी आई और इसकी बजट थी 6 करोड़ 75 लाख की और इसने कमाई की 5 करोड़ 11 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। इसी साल कांटे मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 30 करोड़ की और इसने कमाई की थी 42 करोड़ 96 लाख, लेकिन यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। 2003 में एक और एक 11 मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 9 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 20 करोड़ 99 लाख की और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल LOC कारगिल मूवी आई थी और इसकी बजट थी 33 करोड़ और इसने कमाई की थी 31 करोड़ 67 लाख, लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों इसी साल संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी मात्र 10 करोड़ की और इसने कमाई की थी 36 करोड़ 29 लाख और दोस्तों यह मूवी सुपर हिट हो गई। वैसे दोस्तों यह मूवी काफी मस्त है, मैंने इसे तो कई बार देखी है। 2004 में प्लान मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की थी 10 करोड़ 83 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रुद्राक्ष मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की थी 9 करोड़ 87 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। इसी साल दीवार मूवी आई थी और इसकी बजट थी 21 करोड़ की और इसने कमाई की थी 21 करोड़ 87 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रक्त मूवी आई थी और इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 44 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल मुसाफिर मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 13 करोड़ की और इसने कमाई की थी 18 करोड़ 71 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। 2005 में शब्द मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 10 करोड़ 70 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल टैंगो चार्ली मूवी आई और इसकी बजट थी 13 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की 11 करोड़ 50 लाख की और यह मूवी डिजास्टर हो गई। इसी साल
परिणीता मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 16 करोड़ और इसने कमाई की 33 करोड़ और यह मूवी एवरेज हो गई। इसी साल 10 मूवी आई और इसकी बजट थी 22 करोड़ की और इसने कमाई की थी 38 करोड़ 35 लाख और यह भी एवरेज रही। इसी साल विरुद्ध मूवी आई थी और इसकी बजट थी 9 करोड़ और इसने कमाई की 18 करोड़ 51 लाख और यह भी एवरेज रही। इसी साल शादी नंबर 1 मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 15 करोड़ और इसने कमाई की थी 20 करोड़ 49 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल वाह लाइफ हो तो ऐसी मूवी आई थी और इसकी बजट थी 10 करोड़ और इसने कमाई की थी 8 करोड़ 62 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। 2006 में तथास्तु मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 11 करोड़ और इसने कमाई की थी मात्र 3 करोड़ 26 लाख की और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर हो गई। इसी साल जिंदा मूवी आई और इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने कमाई की 17 करोड़ 68 लाख लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल एंथनी कौन है मूवी आई और इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने कमाई की 9 करोड़ 80 लाख और यह मूवी डिजास्टर। दोस्तों इसी साल ही संजय दत्त की मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई और दोस्तों इस मूवी की बजट थी मात्र 19 करोड़ और इसने कुल कमाई की थी 126 करोड़ 20 लाख की और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। इसी साल सरहद पार मूवी आई थी और इसकी बजट थी 13 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 96 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर रही। 2007 में एकलव्य मूवी आई और इसकी बजट थी 30 करोड़ और इसने कमाई की 38 करोड़ 85 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल नेहले पे देहला मूवी आई और इसकी बजट थी 7 करोड़ और इसने कमाई की 6 करोड़ 41 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी आई थी और इसकी बजट थी 18 करोड़ और इसने कमाई की 46 करोड़ 4 लाख और यह मूवी सेमी हिट हो गई। इसी साल धमाल मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 19 करोड़ और इसने कमाई की 50 करोड़ 75 लाख और यह भी सेमी हिट हो गई। इसी साल 10 कहानियां मूवी आई और इसकी बजट थी 20 करोड़ और इसने कमाई की 12 करोड़ 88 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। 2008 में महबूबा मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 22 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 3 करोड़ 78 लाख और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल किडनैप मूवी आई और इसकी बजट थी 31 करोड़ और इसने कमाई की 35 करोड़ 61 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल EMI मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 17 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 8 करोड़ 16 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। 2009 में लक मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 37 करोड़ और इसने कमाई की 33 करोड़ 58 लाख और यह मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल ब्लू फिल्म आई और दोस्तों इसकी बजट थी 80 करोड़ और इसने कमाई की 63 करोड़ 92 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल ऑल द बेस्ट मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 40 करोड़ की और इसने कमाई की 61 करोड़ 78 लाख और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल अलादीन मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 42 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 10 करोड़ 90 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर हो गई। 2010 में लम्हा मूवी आई और इसकी बजट थी 25 करोड़ की और इसने कमाई की 12 करोड़ 35 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल नॉक आउट मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट तो थी 30 करोड़ लेकिन इसने कमाई की मात्र 10 करोड़ 19 लाख और यह भी बुरी तरह डिजास्टर हो गई। इसी साल नो प्रॉब्लम मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 40 करोड़ की और इसने कमाई की थी 45 करोड़ 8 लाख की और यह मूवी फ्लॉप रही। 2011 में डबल धमाल मूवी आई थी और इसकी बजट थी 29 करोड़ और इसने कमाई की 70 करोड़ 55 लाख और यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल चतुर सिंह 2 स्टार मूवी आई और इसकी बजट थी 23 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 3 करोड़ 17 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल रास्कल्स मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 46 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कमाई की 52 करोड़ 96 लाख लेकिन यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल देसी बॉयज मूवी आई और इसकी बजट
थी 65 करोड़ और इसने कमाई की 80 करोड़ 44 लाख, लेकिन यह भी फ्लॉप रही। 2012 में अग्निपथ मूवी आई और इसकी बजट थी 60 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 195 करोड़ की। और दोस्तों यह मूवी सुपरहिट हो गई। वैसे दोस्तों इस मूवी में मुझे संजय दत्त की एक्टिंग काफी मस्त लगी थी। इसी साल डिपार्टमेंट मूवी आई और इसकी बजट थी 32 करोड़ की और इसने कमाई की 19 करोड़ 21 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल सन ऑफ सरदार मूवी आई और इसकी बजट थी 55 करोड़ और इसने कमाई की 161 करोड़ 48 लाख और यह मूवी हिट रही। 2013 में जिला गाजियाबाद मूवी आई और दोस्तों इसकी बजट थी 36 करोड़ और इसने कमाई की 22 करोड़ 26 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल हम है राही कार के मूवी आई और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 5 करोड़ और इसने कमाई की 82 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल पुलिस गिरी मूवी आई और इसकी बजट थी 30 करोड़ की और इसने भारत में कमाई की 22 करोड़ 90 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल जंजीर मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 60 करोड़ और इसने कमाई की 23 करोड़ 49 लाख और यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर हो गई। 2014 में उंगली मूवी आई थी और इसकी बजट थी 39 करोड़ और इसने कमाई की 30 करोड़ 12 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल संजय दत्त की पीके मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट तो थी मात्र 85 करोड़ की, लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 838 करोड़ 33 लाख और इसी तरह यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। 2017 में भूमि मूवी आई और इसकी बजट थी 30 करोड़ और इसने कमाई की 14 करोड़ 91 लाख और यह मूवी डिजास्टर रही। 2018 में साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट थी 32 करोड़ की और इसने भारत में कमाई की थी मात्र 9 करोड़ 60 लाख की और यह मूवी डिजास्टर हो गई। 2019 में कलंक मूवी आई और इसकी बजट थी 150 करोड़ की और इसने कमाई की थी 151 करोड़ 91 लाख और यह मूवी फ्लॉप हो गई। इसी साल प्रस्थानम मूवी आई और इसकी बजट थी 35 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 5 करोड़ 86 लाख और यह मूवी डिजास्टर हो गई। इसी साल पानीपत मूवी आई थी और दोस्तों इसकी बजट थी 90 करोड़ और इसने कमाई की 49 करोड़ 29 लाख और यह मूवी फ्लॉप रही। 2020 में सड़क 2 मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज ना करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई थी और इस मूवी की बजट तो थी 50 करोड़ लेकिन इस मूवी की राइट 70 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ली थी और इसी के साथ यह मूवी हिट हो गई। इसी साल तोरबाज मूवी आई थी और इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। 2021 में भुज मूवी आई थी और इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई थी। 2022 में तुलसीदास जूनियर मूवी आई थी और दोस्तों इस मूवी की बजट तो थी 10 करोड़ लेकिन इसने भारत में कमाई की थी मात्र 1 लाख और इसी तरह यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर रही। दोस्तों इसी साल संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 मूवी आई थी जो कि एक कन्नड़ मूवी थी और दोस्तों इस मूवी की बजट तो थी मात्र 120 करोड़ की और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 1278 करोड़ 15 लाख और आप सभी को तो पता ही होगा कि यह तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है। इसी साल सम्राट पृथ्वीराज मूवी आई थी और इसकी बजट थी लगभग 300 करोड़ और इसने कमाई की थी 86 करोड़ 80 लाख और दोस्तों यह मूवी डिजास्टर हो गई। इसी साल शमशेरा मूवी आई और इसकी बजट थी 150 करोड़ और इसने कमाई की 63 करोड़ 58 लाख और यह मूवी भी डिजास्टर रही। दोस्तों इसके बाद साल 2023 में संजय दत्त की द गुड महाराजा मूवी आने वाली है और इसी साल ही घुड़चढ़ी मूवी भी आने वाली है और दोस्तों इसी साल ही इसकी एक और मूवी आने वाली है थलापति 67 जो कि एक तमिल मूवी होने वाली है और बाप मूवी आने वाली है। तो दोस्तों यह था संजय दत्त का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जैसी ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों दीजिए हमें इजाजत, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय।
टाटा।